फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, राजमा खाना सभी लोगों को बहुत पसंद होता है और राजमा को पकाने में बहुत टाइम लगता है, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुकर में एक सीटी में राजमा कैसे पकाए जाते हैं ये बनाना बताऊंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कुकर की एक सीटी में राजमा पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये एक रात भीगे हुए राजमा लिए हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे भीगे हुए राजमा लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से पानी से धो के रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस राजमा में हम डालते हैं 3/4 स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, आप सोचोगे इतना बेकिंग सोडा डालना तो बहुत नुकसान का काम है, तो अभी आप वीडियो को देखते रहिए। हम इन राजमा को इतनी अच्छी तरीके से धोएंगे कि इसमें बिल्कुल भी बेकिंग सोडा नहीं रहेगा और ये नुकसान नहीं करेगा। इस बेकिंग सोडा को हम इसमें खूब अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि सारे राजमा इसमें अच्छे से लग जाए, मतलब सब मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए साइड से रख देते हैं। 10 मिनट बाद हमारा ये बेकिंग सोडा बिल्कुल इसमें, ये देखिए, ऐसे अलग तरीके से सेट हो गया है। तो इसमें अब हम इसे धो लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि हमारा ये सारा बेकिंग सोडा इसमें से निकल जाए, जितना हमें ज़रूरत थी वो उतना ही रहे। एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा निकल जाता है, इसे कम से कम 3 से 4 बार इसे हम धो लेते हैं ताकि हमारे राजमा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते बेकिंग सोडा की वजह से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी भी हमने बनाई है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के आती है। राजमा, ये सब चावल सभी को पसंद होते हैं, और राजमा अगर आप, जैसे राजमा बनाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता तो हम बना नहीं पाते, तो अब आप आसानी से एक सीटी में राजमा बना सकते हैं, उसकी ग्रेवी झटपट तैयार कर सकते हैं और अपने घर में सबको खिला सकते हैं। हमने ये देखिए खूब अच्छी तरीके से 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है और इसे सारा पानी इसका निकाल लिया है अच्छी तरीके से धोते हुए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद अब हम एक कुकर लेते हैं, इसमें हम ये सारे राजमा डाल देते हैं। इन राजमा को डालने के बाद इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम जितना में पानी ज़रूरत होती है राजमा बॉईल करने के लिए उतना पानी हम डाल देते हैं, मतलब सारे राजमा इसमें हम डिप हो जाए इतना सारा पानी हमें इसमें डालना होता है। पानी को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसमें, जैसे नमक भी मिक्स हो जाए, और कुकर का ढक्कन लगाते हुए इसे अच्छे से हम बंद करते हुए गैस पर रख देते हैं और इसमें एक सीटी आने देते हैं। एक सीटी आ जाए, जैसे कि अच्छी तरीके से हमारी ये एक सीटी आ गई है, तो गैस को हल्का सा सिम करके 1-2 मिनट के लिए इसे हम सिम गैस पे पकाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद सिम गैस को पकाने के बाद हम गैस बंद कर देते हैं और इसे इसका प्रेशर निकलने के लिए इसे छोड़ देते हैं। जब इसका पूरा प्रेशर निकल जाए, बिल्कुल इसकी सीटी निकल जाए, हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारे ये कितने सॉफ्ट राजमा बनके आते हैं, ये आपको एक बार हम चेक करा देते हैं। देखिए एकदम गल गए हमारे राजमा, कितने सॉफ्ट हमारे ये राजमा बनके आ गए हैं, बिल्कुल हमारे ये राजमा बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं और एक कढ़ाई गैस पर रखते हैं। इसमें हम थोड़ा ऑयल डालते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। इधर हमने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेजपात के पत्ता लिया है। हम सभी चीज़ों को कूट लेते हैं, बस तेजपात का पत्ता हम साइड से रख देते हैं कि वो कूटता नहीं, वो हम साबुत की साबुत डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम कूट के रख लेते हैं। कूटने से ये इसका जो मसालेदार बनेगा वो बहुत ही अच्छा बन के आता है, साबुत डालने से भी अच्छा बनता है, लेकिन जो खड़े मसाले हम डालते हैं इस तरीके से कूट के, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़ी इलायची को हम छील लेते हैं, इसके दाने निकाल लेते हैं और इसका छिलका अलग कर देते हैं। इस तरीके से हमने ये मसाला बना के तैयार कर दिया है। इधर हमारा ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, गैस को हल्का सिम कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमने मसाला डाला तैयार किया है वो डाल देते हैं, तेजपात का पत्ता डाल देते हैं और एक पिंच हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है राजमा में। ये कद्दूकस की हुई अदरक है, ये इसमें हम डाल देते हैं। बारीक कट की हुई हरी मिर्च इसमें हमने डाल दी है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। भून के अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। ये हमारी देखिए सब चीज़ें अच्छे से भून के तैयार हो गई हैं। इसमें अब हम डालते हैं हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर को भी इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के भी बहुत अच्छी तरीके से इसे चलाना होता है। अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर का पेस्ट जो हमने ये एक बाउल में तैयार करके रखा था वो इसमें हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, चलाते जाते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से हमने इसे चलाते हुए मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इसमें ऑयल अलग होने लग जाए, इतना इसे हमें चलाते रहना होता है, इतना हमें टमाटर भूनने होते हैं। जैसे ही इसमें ऑयल अलग हमें दिखाई देने लगे, ये जो हमने राजमा बॉईल करके रखे हैं ये इसमें हम डाल देते हैं सारे और इसे खूब अच्छे से हम चलाते हैं। अभी हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। अगर आपका पानी बहुत कम रह जाता है तभी आप डालें, नहीं तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमने एवरेस्ट का राजमा मसाला लिया है, एक स्पून हम इसमें राजमा मसाला डाल देते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप रहने दे सकते हैं, गरम मसाला वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन अगर राजमा मसाला हो तो ज़रूर डालें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, कसूरी मेथी से राजमा का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे मसाले जो हमने बताए वो इसमें आप ज़रूर डालें। हर एक मसाले का राजमा में एक अलग ही फ्लेवर बन के आता है, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसे अब हम थोड़ा ढक कर पकाते ताकि इसमें जल्दी बॉयल आ जाए, जल्दी खदका आ जाए। और देखिए कितने अच्छे हमारे ये राजमा बन के आते हैं। खुशबू जो है इसकी मतलब लाजवाब आ रही है, और जितनी अच्छी खुशबू होती है उतने ही अच्छे हमारे ये राजमा खाने में लगते हैं। खूब अच्छे से इसे हम चलाते रहते हैं। ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो गैस से हमने इसे निकाल दिया है। अब इसमें हम ऊपर से छौंक लगाते हैं जो बहुत ही टेस्टी बन के आता है। एक छौंकदानी हम लेते हैं, उसमें हम थोड़ा घी गरम करते हैं। घी गरम होने के बाद गैस बंद कर देते हैं और ये लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालते हुए ऊपर से हम इसमें छौंक लगाते हैं। इसके छौंक लगाने से इसका ये राजमा का फ्लेवर दुगना हो जाता है और भी ज़्यादा ये हमारे राजमा टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। एंड में हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं और हमारे ये राजमा बिल्कुल बनके तैयार हो जाते हैं। इसे हम गर्मा गर्म राजमा चावल के साथ सर्व करते हैं और ठंडे होने के बाद ये देखिए गाढ़े भी कितने हो जाते हैं। तो आप इसमें पानी ज़्यादा मत डालिएगा। फ्रेंड्स, ये स्टाइल आप लोगों को कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।